हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी किचन में आपका स्वागत है। आज हम लाल मिर्च के खट्टा मीठा अचार बनाएंगे, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है, आपको भी पसंद आएगा। तो बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो के लगभग मिर्चा लिए हैं और मिर्चा को पहले से हमने धो लिए हैं, धुल कर सुखा लिए। अब इसका हम डंठल काट देंगे और इसको बीच से काट लेंगे और इसका हम बीज निकालेंगे। अपना स्वाद अनुसार बड़ा छोटा पीस में काट लें। अब इसको हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। सारे मिर्चे को ऐसे ही हम पीस में काट लेते हैं। देखिए, मिर्ची काट ली है। अब हम आगे को प्रोसेस कर लेते हैं। पहले से हमने गैस पर कढ़ाई रखे थे, अब इसमें हम एक चम्मच जीरा डालेंगे, एक छोटा चम्मच धनिया डालेंगे, एक छोटा चम्मच सौंफ डालेंगे, एक छोटा चम्मच पीला सरसों डालेंगे, आप चाहें तो ब्लैक सरसों भी ले सकते हैं, आधी छोटी चम्मच मेथी दाना डालेंगे। अब सारे मसाले को हम अच्छे से खुशबू आने तक भूनेंगे। देखिए, अच्छे से मसाला भून गया है। अब इसको हम दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। जब ठंडा हो जाएगा तो इसको हम पाउडर बना लेंगे। फिर से हम वही कढ़ाई लिए हैं। अब इसमें हम एक चम्मच के लगभग सरसों तेल डाल देंगे, तेल को गर्म होने देंगे। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। देखिए, जीरा अच्छे से चटक गया है। गैस के फ्लेम लो रखेंगे और इसमें हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और मसाले को मिला लेंगे। अब इसमें हम एक चम्मच अजवाइन डालेंगे, इसको भी हम मिला लेते हैं। और इसमें हम जो मिर्चा काटे थे वो डाल देते हैं। अच्छे से हम चलाते हुए मिला लेते हैं। अब इसमें हम लगभग 250 ग्राम घी डाल देते हैं और 150 ग्राम चीनी डाल देंगे। मिर्चा आधा किलो, गुड़ और चीनी 400 ग्राम को अच्छे से पका लेंगे। गैस के फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम कुछ और मसाले मिला लेते हैं। आधी छोटी चम्मच सादा नमक, एक छोटा चम्मच काला नमक, एक बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर और जो मसाला हम भूनकर पीसे थे वो डाल देते हैं और अच्छे से हम मिला लेते हैं। देखिए, मिर्ची और गुड़ अच्छे से पक चुका है, गुड़ भी मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम एक बड़ा चम्मच विनेगर डालेंगे। विनेगर डालने से अचार लंबे समय तक चलता है और विनेगर लास्ट में ही डाले। मिर्ची का खट्टा मीठा अचार बनकर तैयार हो गया है। अभी तो ये बहुत गर्म है, ठंडा होगा थोड़ा ठीक होगा। देखिए, अचार पूरी तरह ठंडा हो गया है, कितना अच्छा बना हुआ है। तो ये रेसिपी आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसको हम जार में भर कर रख लेंगे, पूरे एक साल आराम से चल जाता है। तो बनाइए और खाइए। अपनी अनुभव काशी किचन में शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।